नाउ आई होप सब ने रेनबो देखा है अगर नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में देखो इस तरह से रेनबो गार्डन में भी बनाया जा सकता है यू डोंट नीड रेन बारिश की जरूरत नहीं है फाउंटेन के आजू बाजू भी रेनबो दिखता है हमें एंड वो रेनबो वाली सेम इफेक्ट प्रिज्म से भी बनाई जा सकती है प्रिज्म पता है आपको ग्लास का कांच का एक पिरामिड जैसा होता है उसमें से भी हमें कलर्स सेपरेट होते हुए दिखते हैं अब मेरे पास प्रिज्म नहीं है बट मेरे पास ये है इसको क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता लेकिन जब इसमें से लाइट पास होती है तो सेम इफेक्ट कलर को क्या बोलते हैं ये कब होती 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 है कैसे होती है है कहां कैसे सब आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में एंड एक और बात कुछ चेंज नोटिस कर पा रहे हो गए आप आई नो आई नो आई नो आई नो वट योर थिंकिंग मैंने बियर्ड कट करी है ना थोड़ा अजीब लग रहा है थोड़ा बियर्ड लग रहा है लेकिन टेंशन ना लो वापस उग जाएगी नो हेट कमेंट्स प्लीज

मान लो कि ये लाइट की वेव है अब लाइट की वेव दो चीजों से बनती है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड द वेव ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड एक और बात ये जो वेव है ना इसमें भी दो चीजें हैं वो जो पहाड़ दिख रहा है ना वहां उसको बोलते हैं क्रेस्ट एंड जो खाई दिख रही है वैली उसको बोलते हैं ट्रफ क्रेस्ट एंड ट्रफ अब एक क्रेस्ट एंड एक ट्रफ इनको मिला करके जो डिस्टेंस बनता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं करेक्ट है। इसको हम वन वेव भी बोल सकते हैं एंड द नंबर ऑफ वेव दैट पास अ गिवन पॉइंट इन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव अगर आपको ये थोड़ा याद नहीं आ रहा है तो प्लीज फर्स्ट वाला लेक्चर देख लो यहीं कहीं पे ऊपर उसकी लिंक आ जाएगी वो लेक्चर बहुत अच्छे से देखना तो ये लेक्चर भी उतना ही अच्छे से समझ में आएगा ठीक है बच्चों एंड एक लास्ट बात जितनी वेवलेंथ बड़ी होती है उतनी फ्रीक्वेंसी कम होती है आई रिपीट जितनी वेवलेंथ बड़ी है उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी एंड जितनी वेवलेंथ छोटी हो जाती है उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी आपको अच्छे से एनिमेशन के साथ मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है प्लीज वो देख लो कुल cool, यहां तक याद आया लिसन मान लो कि व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट जो हमें सन से आती है अब ये व्हाइट लाइट के अंदर एक्चुअली मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं बहुत सारे कलर्स होते हैं लेकिन फॉर एक्सप्लेनेशन परपस समझने के लिए लेट अस अज्यूम इसके अंदर सेवन कलर्स हैं कितने हैं सेवन कलर्स लाइक दिस नीचे से देखते जाओ कौन सा कौन सा कलर है वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड याद कैसे रखेंगे इसको सिंपल सा निमोनिक है विबग्योर आपको पता होगा वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ठीक है अब बहुत ध्यान से सुनो लुक एट द रेड लाइट रेड वाला जो वेव है ना उसको देखो उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ क्या होती है क्रेस्ट प्लस ट्रफ कितनी है वेवलेंथ 700 नैनोमीटर वन नैनोमीटर कितना होता है वन नैनोमीटर इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर बहुत 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 छोटा होता है नैनोमीटर कुल cool, 700 नैनोमीटर रेड का अब ऑब्जर्व अब करो रेड से जैसे ही आप नीचे जा रहे हो ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वेवलेंथ छोटी 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 होते जा रही है कैन यू ऑब्जर्व दैट एंड वायलेट वाला देखो उसका वेवलेंथ सबसे कम है कितना है फोर नैनोमीटर तो जैसे ही हम रेड से वायलेट की तरफ जा रहे हैं वॉट इज हैपनिंग हैेंथ इज डिक्रीजिंग लाइक दिस समझ रहे हो क्या हुआ द देंथ इज डिक्रीजिंग एक बात समझ में आई अब ध्यान से सुनो तो ये हमारे विजिबल कलर्स हैं विजिबल लाइट है देखो वायलेट इट इज एट 400 नैनोमीटर एंड वायलेट से अगर रेड की तरफ आए तो रेड का कितना है 700 नैनोमीटर दिस इज विजिबल लाइट बट ये जो विजिबल लाइट है सेवन कलर्स हैं दे आर जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ध्यान से सुनना अगर हम वेवलेंथ को 400 नैनोमीटर से डिक्रीज करें नीचे की तरफ लेके जाएं तो वहां पर आते हैं रेज उससे भी ज्यादा अगर छोटा वेवलेंथ करें तो एक्सरेज आते हैं एंड उससे भी ज्यादा वेवलेंथ को छोटा करें तो गामा रेज आते हैं तो ये जो यूवी वी एक्सरेज गामा रेज है इनका वेवलेंथ फोर नैनोमीटर से कम है ये मुझे दिखाई नहीं देते ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, बट दे आर नॉट विजिबल टू अस हमारी आईज सेंसिटिव नहीं है कि उनको देख पाए हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है वायलेट से लेके रेड तक समझ रहे हो एंड अगर हम वेवलेंथ को 700 नैनोमीटर से ज्यादा कर दें, बढ़ा दें, तो वहां पर आ जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन ये भी हमें दिखाई देता नहीं है बट हमें फील होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड अगर और वेवलेंथ को बढ़ा दिया जाए तो वहां से शुरू होते हैं रेडियो वेव्स आपका फोन का सिग्नल हो गया टाटा स्काई का सिग्नल हो गया एफ रेडियो ए रेडियो जो भी आता था वो सारे वेव्स भी क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हैं लेकिन दिखाई देते नहीं है आर यू अंडरस्टैंडिंग हमें क्या दिखता है वायलेट से लेकर रेड एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो गाम से रेडियो वेव्स तक जाता है यहां तक कहानी समझी चलिए थोड़ा आगे जाते हैं यह हमारा प्रिज्म। प्रिज्म बनता है ग्लास का कांच का। ग्लास इज अ डेंसर मीडियम राइट ये आई हमारी जब यह व्हाइट लाइट एयर या वैक्यूम में ट्रैवल करती है आई रिपीट जब ये व्हाइट लाइट एयर या वैक्यूम में ट्रैवल करती है सारे जो कलर्स है ना विपग्योर सारे कलर्स की स्पीड ट्रैवल करने की स्पीड सेम रहती है आई रिपीट सारे कलर्स की स्पीड इन अ वैक्यूम इज सेम थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड लेकिन अब ये वाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर जाएगी ग्लास का बना हुआ है ना डेंसर मीडियम है एंड लाइट कहां थी रेरर मीडियम में थी तो वो रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी रिफ्रैक्शन होगा द लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल ये सारी बातें हमने पढ़ी है लेकिन यहाँ पे एक झोल है झोल क्या है देखो रेड वाली जो लाइट है ना वो थोड़ी सी बेंड हुई वायलेट वाली लाइट बहुत ज्यादा बेंड हुई रेड वाली लाइट थोड़ी सी बेंड हुई वायलेट वाली ज्यादा बेंड हुई एंड कुछ इसी तरह से बाकी के सारे कलर्स भी जो हैं ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू सारे कलर्स अलग अलग एंगल पर बेंड हो रहे हैं एंड विल सेपरेट एंड जब ये कलर्स प्रिज्म के बाहर आएंगे तो ऐसा एक ब्यूटीफुल रेनबो वाला पैटर्न क्रिएट करेंगे सारे कलर्स सेपरेटेड दिख रहे हैं, रहे हैं 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 एक पैटर्न 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 क्रिएट कर ये जो है रेनबो वाला pattern, इसको बोलते स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पैटर्न जो है ना उसको क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं एंड सबसे पहले ये स्पेक्ट्रम किसने ऑब्जर्व करके देखा था स्पेक्ट्रम तो सालों से हो रहा है लेकिन ऑब्जर्व किसने किया हमारे सर आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज अ ग्लास प्रिज्मेन सन स्पेक्ट्रम मतलब सन लाइट से उन्होंने ये पूरा पैटर्न क्रिएट करके दिखाया ग्लास प्रिजम ठीक है तो हमारा डेफिनेशन क्या बनता है यही बनता है देखो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इन टू इट्स कंपोनेंट कलर्स वाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम सच एस ग्लास इज कॉल्ड एस डिस्पर्जन ऑफ लाइट सिंपल भाषा में सेपरेशन जो हुआ उसको ही हम लोग डिस्पर्जन बोलते हैं डिस्पर्जन मतलब सेपरेशन एकदम सिंपल मुद्दा समझ में आया सारे कलर्स अलग अलग एंगल पे बेंड हो रहे हैं एंड दैट इज वाई होता है रेड वाला कम बेंड होता है वायलेट वाला ज्यादा बेंड होता है लेकिन यहां पे आपके मन में अब एक सवाल आना चाहिए एब्सोल्युटली ऐसा भेदभाव क्यों ऐसी नाइंसाफी क्यों रेड वाला कम बेंड होएगा वायलेट वाला ज्यादा बेंड होएगा क्यों सारे कलर सेम एंगल पे बेंड क्यों नहीं होते लेट अस अंडरस्टैंड मान लो कि ये हमारा प्रिज्म है एंड ये आई हमारी व्हाइट लाइट अब यह वाइट लाइट जब प्रिजम के अंदर जाएगी तो वो सेपरेट होगी लाइक दस सुनो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मतलब क्या रेड वाला जो लाइट है मेरे को बताओ उसका वेवलेंथ थोड़ा बड़ा है ना इट हैज बिगर वेव लेंथ वेव लेंथ अगर बड़ा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा लो रहेगा वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रपोर्शनल ये मैंने आपको बताया एंड वैसे ही वायलेट वाला लाइट देखो उसका वेवलेंथ थोड़ा छोटा है ना शॉर्टर वेवलेंथ मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा हाई फ्रीक्वेंसी तो रेड वाले का फ्रीक्वेंसी लो है वायलेट वाले का फ्रीक्वेंसी हाई है इतना बात समझ में आया अब सुनो फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने क्या बताया था लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में डिक्रीज क्यों होती है लाइट स्लो क्यों हो जाती है उसका रीजन क्या था लाइट के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्लास के अंदर का या फिर मीडियम के अंदर का कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो शेक होने लगता है ऑसिलेट होने लगता है एंड जब एक इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो लाइट को अपोज करता है लाइट के साथ इंटरफियर करता है एंड दैट इज वाई द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एनिमेशन के साथ आपको बताया हुआ है अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज देख लो अब क्या होता है ना यहाँ पे सुनो रेड वाली जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ उतना इंटरैक्ट नहीं करती इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा शेक या ऑसिलेट नहीं कर पाती एंड दैट इज वाई रेड वाले लाइट को ऑपोजिशन कम मिलता है रेड वाले लाइट की स्पीड उतनी डिक्रीज नहीं होती एंड वो कम बेंड होती है एक बात समझी वायलेट वाली लाइट ऑन द अदर हैंड ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को बराबर शेक करेगी ऑसिलेट करेगी एंड उतना ही ज्यादा अपोजिशन इंटरफियरेंस वायलेट लाइट को मिलेगा एंड दैट इज वाई वायलेट लाइट जो है उसकी स्पीड ज्यादा डिक्रीज होगी एंड वो ज्यादा बेंड होगी समझ रहे हो तो सिंपल भाषा में द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लो फ्रीक्वेंसी कम बेंड होगा हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा बेंड होगा समझ रहे हो अगर थोड़ा कहीं पे आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है पॉज करो रिवाइंड करो वापस सुनो आई होप क्लियर हो जाएगा एंड एक लास्ट बात द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर मतलब हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा रेड वाला कम बेंड हो रहा है तो रेड वाले लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा वायलेट वाला ज्यादा बेंड हो रहा है तो वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा एंड उसी तरह से सारे कलर्स अलग अलग एंगल पे बेंड होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्या बताया था सारे कलर्स की स्पीड वैक्यूम में सेम होती है बट जब वो लोग डेंसर मीडियम में जाते हैं तो हर एक कलर का स्पीड अलग हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड वो सारे कलर्स अलग अलग एंगल पे बेंड होंगे यहां तक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई आई होप समझ में आई पक्का हाँ बोलो चलिए थोड़ा आगे जाते हैं सो फाइनली लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो रेनबो किस तरह बनता है काफी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है देखो हमारे चाचा यहाँ पे खड़े हैं एंड चाचा के पीछे सन है एट अ पर्टिकुलर एंगल चाचा के पीछे सन है एंड यहाँ हो रही है बारिश तेज बारिश जब बारिश होती है ना तो हवा में पानी के छोटे 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 ड्रॉपलेट्स फ्लोट कर रहे होते हैं सस्पेंडेड होते हैं आपने देखा होगा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दे आर सस्पेंडेड इन द एयर एंड जब उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर सनलाइट गिरती है लाइक like दिस तो वहां पे क्या दिखता है एक ब्यूटीफुल सा रेनबो चाचा को रेनबो दिखेगा चाचा की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी मरने के पहले की चाचा इज वेरी हैप्पी तो रेनबो किस तरह बनता है देखिए लेट से स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म ये जो छोटा सा पानी का ड्रॉपलेट है ना इट एक्ट्स एज अ प्रिज्म तो जब इसके ऊपर सनलाइट गिरती है तो क्या होगा भाई रिफ्रैक्ट होगी एंड डिस्पर्स हो जाएगी तो पहला प्रोसेस क्या दिखता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि ये जो सारे कलर्स हैं इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो यहां पर एक और चीज दिखेगी हमें क्या दिखेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो चीजें डिस्पर्जन हुआ फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ एंड अब ये कलर्स वाटर से बाहर एयर में जाएंगे तो वापस रिफ्रैक्शन होगा लाइक like दिस तो तीन चीजें हो रही हैं रेनबो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री इफेक्ट्स डिस्पर्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ठीक है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है तो चाचा को क्या दिखेगा मान लो कि ये दो वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में फ्लोट हो रहे हैं ठीक है दे आर क्या बोलते हैं सस्पेंडेड इन द एयर एंड उसके ऊपर सनलाइट इस तरह गिर रही है तो डिस्पर्जन हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ रिफ्रैक्शन हुआ एंड फिर ये सारे कलर्स जाएंगे चाचा के आंख में चाचा के आंख में कलर्स जाएंगे तो चाचा को क्या दिखेगा ब्यूटीफुल सा रेनबो दिखेगा सिंपल है ना यार क्या दिक्कत है इसमें तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं आई होप सारे कंसेप्ट ईजी थे समझ में आए हैं चैप्टर हमारे यहाँ पे समाप्त होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब कर देना यार एंड एज यूजल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग